हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा 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 वाली खुश हूँ क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है। तो गाइस, मैं आज करने वाली हूँ खुद को पैम्पर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खुद को पैम्पर नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ एनिवर्सरी है तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छा अच्छा फील हो एंड मेरी स्किन भी थोड़ी सी ग्लो 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 करे। तो आज मैं करने वाली हूँ हेड टू टो खुद को पैम्पर एंड करने वाली हूँ ग्लो अप रूटीन। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बालों पर ऑयल लगा के छोड़ देने वाली हूँ, ताकि जब तक कि मैं बाकी की चीज़ें करूँ तब तक जो ऑयल है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हेयर्स को भी अच्छे से नरिशमेंट मिल सके मेरे। तो अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लुक वॉर्म ऑयल लिया है और अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ इसे, एंड फिर बन बना के इसको छोड़ देंगे। देन मैं यहाँ पर बॉडी को एक्सफोलिएट करूँगी एम कैफीन के रॉ एंड नेक बॉडी स्क्रब की हेल्प से। बहुत ही अच्छा वाला स्क्रब है भाई साहब, इतना अल्टीमेट इसका रिजल्ट है और इसकी फ्रेग्रेंस के तो क्या ही कहने हैं, इतना बढ़िया है। तो मैं पूरी बॉडी को इसी की हेल्प से एक्सफोलिएट करने वाली हूँ, ताकि मेरे जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए, मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लोई और सॉफ्ट हो जाए। तो राउंडिंग मोशन में अच्छे से पूरी बॉडी को हम कर लेंगे स्क्रब। अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फेस को तो स्क्रब कर लेते हैं गाइस, बट अपनी बॉडी को हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस फेस ही हमारी प्रायोरिटी है, बॉडी तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। देन हम करेंगे हमारे जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश लगाया, फिर रेज़र की हेल्प से मैं हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ। वैसे तो मैं वैक्स करवाने वाली थी, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं करवा पाई। और मोस्ट ऑफ द टाइम सच्ची बताऊँ तो मैं रेज़र ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में आपको शॉर्ट्स पहनने होते हैं, स्लीवलेस पहनना होता है, और बाल तो हर दूसरे दिन टपक आते हैं। तो इसीलिए मैं रेज़र ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर और नहीं टपक सकती बालों की तरह। तो मैं रेज़र यूज़ कर लेती हूँ समर्स में, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेयर्स भी थिक नहीं होते हैं। देन हम करेंगे अपने बालों को वॉश। तो शैम्पू को कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, हमेशा पानी में मिक्स करना है, देन इसको अप्लाई करना है और अपने रूट्स पर अप्लाई करना है, स्कैल्प के ऊपर। कभी भी अपने लेंथ के ऊपर अप्लाई नहीं करना है शैम्पू को, हमेशा स्कैल्प पर ही अच्छे से मसाज करनी है। देन हम अप्लाई करेंगे पैक, ये मैट्रिक्स का बायोलेज पैक है, इतना ज़्यादा बढ़िया वाला पैक है ना ये। और पैक को हमेशा लेंथ पर अप्लाई करना है, कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाना है, अदरवाइज डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देन इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर, और वॉश करने के बाद हम गीले बालों पर लगाएंगे सीरम। इससे जो भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। अगर आप सीरम नहीं लगाते तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। देन एक वाइड कॉम्ब की हेल्प से मैं डिटेंगल कर लूँगी अपने बालों को, एंड देन मूव ऑन करते हैं मैनीक्योर एंड पेडीक्योर पर। तो मैं वादी हर्बल्स की यहाँ पर मैनी पेडी किट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर हमें एक स्क्रबर, पुशर एंड बाउल चाहिए होगा, ब्रश चाहिए होगा, हील ब्रश चाहिए होगा, एंड क्यूटिकल टिप्स भी चाहिए होंगे हमें, नॉट ए क्यूटिकल टिप्स, क्यूटिकल कटर चाहिए होगा। तो पहले मैं अपने पैरों की नेल पेंट रिमूव करूँगी, देन हाथों की, और एक हाथ की करने के बाद दूसरे की, ऐसे चुटकी में हो जाए तो क्या ही बात है यार, बट इतनी चुटकी में कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक गुनगुना पानी, वो भी बाल्टी के अंदर, अगर टब है तो आप टब में भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसमें हम डालेंगे एक्टिवेटर, आपके पास कोई भी ब्लीच है उसका आप एक्टिवेटर डाल सकते हो, नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम अपने हाथ पैरों को सो करेंगे, बट पहले हमें लगाना है क्यूटिकल ऑयल, ताकि हमारे क्यूटिकल सॉफ्ट हो सके। ऑयल नहीं है तो आप क्रीम लगाकर भी छोड़ सकते हो। देन इसे हम करेंगे इस पानी के अंदर सोक। सोक करने से गाइस आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी या फिर जो भी क्यूटिकल्स वगैरह हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ड्राई स्किन पे आप ब्रश यूज़ करोगे तो आपकी हील्स क्लियर नहीं होने वाली, क्लीन नहीं होने वाली। तो इसके बाद हम अपने पैरों को करेंगे स्क्रब। यहाँ पर मैं हील ब्रश के एक तरफ जो प्यूमिंग स्टोन दिया हुआ है उसकी हेल्प से अपनी हील्स को अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ, और इससे जितनी भी डेड स्किन मेरी हील्स के ऊपर इकट्ठी हुई है, मेरे पैरों के ऊपर इकट्ठी हुई है, वो सबकी सब रिमूव हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाने वाली है स्क्रबिंग के बाद। तो अच्छे से आपको पैरों को स्क्रब करना है प्यूमिंग स्टोन की हेल्प से,
नील ब्रश के ऊपर हम लेंगे शैम्पू और अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इससे नेल्स आपके बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके पास हील ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं गाइज, आप ब्रश भी ले सकते हैं, जो टूथब्रश रहता है कोई भी टूथब्रश ले लो और शैम्पू लगा के अपने नेल्स को क्लीन कर लो। ऐसा तो आपको वैसे रोज ही करना चाहिए, स्पेशली अपने हाथों के जो नेल्स हैं उनको आपको ब्रश की हेल्प से रोज ही क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज आपके नाखूनों में गंदगी फंस जाती है और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों स्टेप्स जो भी रहेंगे इकट्ठे ही करूँगी ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और जल्दी जल्दी से हो जाए। देन मैं अपने क्यूटिकल्स को रिमूव करूँगी, जितनी भी रेड स्किन सेल यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं उन सबको रिमूव करूँगी, बट बहुत ही केयरफुली करना है अदरवाइज़ आपकी स्किन भी कट सकती है। तो बहुत ही केयरफुली आपको अपने क्यूटिकल्स को रिमूव करना है और क्यूटिकल रिमूव करने के बाद आपके हाथ पर इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो दोनों हाथों के हम कर लेंगे। देन हम यहाँ पर करेंगे क्लिंजिंग। तो हमारा जो पेडिक्योर का पहला स्टेप है वो है क्लिंजिंग। तो क्लिंजर की हेल्प से हम अच्छे से मसाज करते हुए अपने पैरों और हाथों को क्लीन करेंगे। अच्छे से राउंडिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, नॉट अ मसाज करनी है, मतलब कि स्टेप्स करने हैं राउंडिंग मोशन वाले और अच्छे से क्लिंजिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों को भी क्लीन एंड क्लियर करूँगी क्लिंजर की हेल्प से, अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि मैं साथ ही साथ ही सारे स्टेप कर रही हूँ, इससे मेरा टाइम बच जाने वाला है गाइस और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि मेरे तक्ष के उठने से पहले पहले अपना मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करना ही करना है। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन लग गए थे सब कुछ करने में, 1 दिन में नहीं कर पाई थी पहले बता देती हूँ आपको। तो स्क्रबिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अच्छे से प्रेशर के साथ स्क्रबिंग करेंगे। और ये जो मैनी पेडिक्योर के जो स्क्रब के पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, जो फेस के फेशियल हमारा स्क्रब होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से माइल्ड होते हैं। तो बॉडी के लिए थोड़े से हार्ड पार्टिकल्स आपको चाहिए होते हैं ताकि अच्छे से जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो पूरे प्रेशर के साथ जहाँ पर भी डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं लाइक नकल्स के ऊपर या हील के पीछे होते हैं वहाँ पर अच्छे से आपको स्क्रबिंग करनी है थोड़े प्रेशर के साथ। एंड हाथों पर भी स्क्रबिंग कर लेंगे, स्पेशली जो नकल्स होते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी डेड स्किन होती है तो यहाँ पर हल्के से प्रेशर के साथ हम करने वाले हैं। देन हम करेंगे जी मसाज। मसाज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो प्रेशर के साथ और सही स्टेप के साथ मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से हम मसाज करेंगे। मसाज में बहुत तरह के अलग अलग स्टेप्स होते हैं जबकि बाकी जो हम स्क्रबिंग क्लिंजिंग करते हैं उसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। तो जो मसाज है बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है, मतलब आपको इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग बना देती है, आपको ऐसा फील होता है कि कितना ज़्यादा बोझ है जो आपकी बॉडी के ऊपर से निकल चुका है। स्पेशली ये जो हाथ पे मैं स्टेप कर रही हूँ ना, ये वाला स्टेप करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे हाथ कितने टाइम से कुछ रखा हुआ था और फाइनली आ जाके वो निकल गया, इतने ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाते हैं मेरे हाथ। देन हम अप्लाई करें यहाँ पर पैक, दोनों पैरों एंड हाथों पे अप्लाई कर लेंगे पैक। बॉडी ग्लो अप करने के बाद आपको अंदर से जो फीलिंग आती है ना गाइस, इतनी अमेजिंग फीलिंग आती है खुद को क्लीन क्लियर देख के, बड़ा ही मज़ा आ जाता है। जो रिलैक्स मिलता है बॉडी को वो तो एक तरफ है, तो कोई ना कोई बहाने से आपको हमेशा पैम्परिंग करते रहना चाहिए। तो मेरे हाथ और पैर देख लो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। रेड मेरा फेवरेट कलर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेड नेल पेंट ही लगाती हूँ। देन मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ अपने बालों को कलर। तो आप देख सकते हो अभी मेरे बाल पूरे जेट ब्लैक हैं, बस जो हाइलाइटिंग बाल हैं वो ब्राउन है या गोल्डन कह लो, बट बाकी जो भी बाल हैं ऊपर से रूट से वो सारे के सारे ही जेट ब्लैक हैं। तो यहाँ पर मैं लॉरियल मेजारियल का 7.23 शेड नंबर कलर कर रही हूँ एंड डेवलपर में उसको मिक्स करने के बाद अप्लाई करेंगे हम। इसका जो रेशियो है 1 एंड 1.5 है, तो जितनी क्रीम लेंगे उसकी जो हाफ क्वांटिटी में हम डेवलपर लेंगे एंड इनको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स बहुत ही प्रॉपरली एंड बहुत अच्छे से आपको करना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करोगे तो इसका जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेना एंड देन इसको अप्लाई कर लेना। मैंने वंशपा की हेल्प से कलर अप्लाई किया था, अपने हस्बैंड की हेल्प से,
तो पहले मैं अपने हेयर्स को चार सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगी ताकि कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कलर अप्लाई करवाया था, तो सेक्शंस तो कोई मैटर ही नहीं कर रहे थे, बट अच्छे से हो गया था। एंड 35 मिनट्स रखने के बाद मैंने वॉश कर लिया था, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे बालों में कलर बहुत ही सुंदर आया था, ऐसे विजिबल नहीं हो रहा ये कलर, बट लाइट के अंदर और सनलाइट में ब्राउन कलर में बालों पे इतना सुंदर लग रहा था। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेशिंग सा महसूस होता है ना। एंड देन मैं यहाँ पर कर रही हूँ फेशियल, और मेरी फेवरेट 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 वाली किट है ये, न्यूट्री ग्लो की वाइटनिंग किट है, बहुत ही सुपर वाला इसका रिजल्ट है। सबसे पहले क्लिनजिंग करेंगे अच्छे राउंडिंग मोशन में, देन क्लीन कर लेंगे क्लीन टॉवल की हेल्प से। हैंकी भी ले सकते हो आप, टॉवल भी ले सकते हो या नैपकिन भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लेना। देन स्क्रबिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है स्पीड, आप ये मत सोना कि मैं इतनी तेज़ तेज बस धंधनाधर अपने फेस को रगड़ती जा रही हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है ताकि वीडियो जल्दी जल्दी से ख़त्म कर सकती हूँ, ज़्यादा लंबी खींचूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। देन यहाँ पर सीरम अप्लाई कर रही हूँ, सीरम अप्लाई करके मसाज करूँगी हल्की सी, देन उसको लगा के छोड़ दूँगी। देन हम करेंगे सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है मसाज। मसाज आपको बहुत ही केयरफुली बहुत ही अच्छे से करनी है क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं बट टेक्निक थोड़ी अलग होती है मसाज की बाकी स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, तो अच्छे से करेंगे। और फेशियल करने के बाद जो आप मसाज दे लेते हो ना फेस को, आपको इतना रिलैक्सिंग फील होता है, इतना ज़्यादा। देन हम अप्लाई करेंगे पैक, पैक को हम 5 मिनट्स रखेंगे, टोटली ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का ड्राई होगा तो हम इसको क्लीन कर देंगे। और गाइस मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो, इतनी ज़्यादा प्लम्पी और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी फेशियल के बाद, मतलब मेरी पूरी बॉडी इतना अच्छा फील कर रही थी। सो अब से तो मैं हर मंथ अपनी स्किन को पैम्पर करने वाली हूँ। सो गाइज आई होप कि आपको आज का ये ग्लो अप रूटीन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।